Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Math Trainer. I am your trainer Navjot Singh, and in this video we are going to look at a trick for quick factorization of quadratic polynomials. जो factorization of quadratic polynomials है, वैसे तो ये हमारा 9th और 10th class का topic है, but those students who are preparing for competitive examinations like JEE can also have a look on this video, and 11th 12th में आपकी speed को increase करने के लिए ये video काफी काम आएगी. Okay, so let us start the video. सब quadratic polynomials का जो standard form होता है वो आपके सामने है, that is ax square plus bx plus c. And yes, by the end of this video you'll be able to factorize any quadratic polynomial within 10 seconds. Okay, for sure. So let us get started with the basic concept of factorization of quadratic polynomials. Okay, so the basic concept is that we have a standard quadratic polynomial in the form of ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, that is the leading coefficient. So सबसे पहले बात आती है sum और product of factors की. Okay, तो जो sum of factors होता है, that is equal to the coefficient of x and that is equal to b, and the product of factors is equal to the product of leading coefficient, that is a, and the constant term, that is c. So product जो होता है दोनों का, वो ac के equal होता है. Okay, तो अब डिपेंड करता है कि सम का साइन क्या होगा, प्रोडक्ट का साइन क्या होगा. इस चीज में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो फैक्टर्स हैं उनके क्या साइन आएंगे. ओके, सो लेट अस डिस्कस द सेम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग टेबल, साइन ऑफ सम, साइन ऑफ प्रोडक्ट एंड साइंस ऑफ फैक्टर्स. ओके, सो जो फर्स्ट केस बनता है, अगर सम पॉजिटिव है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज पॉजिटिव, साइन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. देन ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, उनका सम भी पॉजिटिव है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, उन दोनों का साइन सेम होता है, क्योंकि सम पॉजिटिव है तो साइन ऑफ फैक्टर्स होगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, सम पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट नेगेटिव हो. तो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, दोनों का साइन ऑपोजिट होगा. सम पॉजिटिव है इसलिए जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है वो बड़ा होगा, तो दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो उनका सम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. Then we have negative and positive. तो अगर sum negative है और product positive है, product positive मतलब दोनों factors का sign same है, और अगर sum negative है तो दोनों factors को negative ही होना पड़ेगा. So negative and negative. And at last अगर दोनों negative हैं, negative and negative, तो हमारे पास अगर product negative है तो जो factors हैं उनका sign opposite होगा एक दूसरे के, और अगर sum negative है तो बड़ा factor होगा negative और छोटा factor होगा positive. Okay? So these are the possible combinations. So first of all, बहुत ही simple सा example जिसमें दोनों factors हमारे पास positive हैं. Okay? So example number one, if we see x square plus 10x plus 24. Okay? तो हमें ये trick सीखना है without splitting the middle term, without any completing the square method, कि हमें directly इसको factors के form में कैसे लिखना है. तो पहले दो तीन question में आपको explain करूँगा, उसके बाद we'll be able to do it very easily. Okay? First and foremost हमारे पास जो सम है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 10, और प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द टर्म विच इज कॉन्स्टेंट टर्म इनटू लीडिंग कोएफिशिएंट, तो दैट इज 24. जनरली क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 1 दिया होता है. सो सम इज 10, प्रोडक्ट इज 24. सो हमें दो ऐसे नंबर सोचने जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट 24 हो. वेरी इजी, वी कैन थिंक ऑफ देम. तो 6 और 4 दो ऐसे फैक्टर्स आएंगे, दो ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका प्रोडक्ट 24 है और सम 10 है. तो डायरेक्टली इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो जाएंगे, क्योंकि सम भी पॉजिटिव प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल पॉजिटिव पॉजिटिव. सो वी हैव x प्लस 6 इनटू x प्लस 4 एज द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल. फाइन, सो लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमारा सम पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट नेगेटिव हो. एग्जांपल इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. सो अगेन सम की वैल्यू है इसमें 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू है माइनस 6, राइट. प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम क्या है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला फैक्टर बड़ा होगा. ओके, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 6 हो और सम 1 हो, वो होते हैं 3 और माइनस 2, बिकॉज नेगेटिव नंबर में छोटा लेना है. तो डायरेक्टली इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 इंटू x माइनस 2. ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल जिसमें फर्स्ट नेगेटिव है, सेकेंड पॉजिटिव. सो दैट मीन्स वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. ओके, सो यहाँ पे सम क्या है हमारे पास, नेगेटिव, दैट इज माइनस 7, और जो प्रोडक्ट है वो कितना है, पॉजिटिव, दैट इज 12. प्रोडक्ट पॉजिटिव इसलिए दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, क्योंकि उनका सम नेगेटिव है. सो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 है, सम माइनस 7 है, सो वी कैन से दिस इज माइनस 3 एंड माइनस 4.
okay? So that means x minus 3 into x minus 4, simple, right? Example number 4. So let us take the example of x square minus 8x minus 20, okay? तो हम ये एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे, तो सम ऑब्वियसली इसका माइनस एट है और जो प्रोडक्ट है वो है माइनस 20, राइट? अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो, सम नेगेटिव हो, तो बड़ा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा, छोटा नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा. ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट इज माइनस 20, सम इज माइनस 8, आर माइनस 10 एंड 2, ओके? सो वी हैव x माइनस 10 इंटू x प्लस 2 एज द फैक्टर्स. Okay, so by now we have already covered all the four possibilities. ठीक है, अब हम इसी टाइप के और examples देखते हैं और उसमें हम question जल्दी करने की कोशिश करेंगे. Okay, so we have the set of examples something like this. Directly मैं लिखूंगा यहाँ पे sum की value क्या है, minus 7, product की value क्या है, 12. अगर product 12 है और sum minus 7 है तो factors जो होंगे वो 3 और 4 होंगे, okay? और both of them will be negative. So x minus 3 into x minus 4. ठीक है, थोड़ा थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वी हैव लर्न द ट्रिक बाय नाउ. सो वी हैव सम इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पे और प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 12. प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है, तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव, छोटा फैक्टर पॉजिटिव. फैक्टर्स आर 6 एंड 2, सो डायरेक्टली x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, देन फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, सबसे ईजी, सम भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, सो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव. प्रोडक्ट इज 12, सम इज 8, 6 एंड 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 कैन बी फैक्टराइज्ड एज x प्लस 6 इनटू x प्लस 2. देन एट लास्ट सम पॉजिटिव, दैट इज 1, प्रोडक्ट नेगेटिव, दैट इज माइनस 12. तो एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, बड़ा कौन सा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, सो x प्लस 4 इनटू x माइनस 3 डायरेक्टली. ओके, सो नाउ लेट अस फाइनली डू some quick factorization in 10 seconds, okay? X square minus 10x plus 24, product is positive, sum is negative, directly x minus 4 into x minus 6, that's it. From here, x square plus 12x minus 45, sum is positive, product is negative, so directly x plus 15 into x minus 3, okay? Then sum is negative, product is negative, so 1 negative, 1 positive, x minus 11 into x plus 3. बस फटाफट आपने ये सोचना है, 24 के कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम 10 है, 45 के कौन से फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस 12 है, 33 के कौन से फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस 8 है. सो अगेन लास्ट एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, सम इज आल्सो पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज आल्सो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पॉजिटिव. 36 के वो फैक्टर्स जिनका सम 15 है, सो 12 एंड 3, सो x प्लस 12 इंटू x प्लस 3. फाइन, आई होप दैट यू कैन फैक्टराइज एनी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद इन 10 सेकंड्स नाउ. ठीक है, बाय दिस पर्टिकुलर ट्रिक, सम देखो, प्रोडक्ट देखो, दो नंबर सोचो और जो कॉम्बिनेशन हमने बताए हैं चार, उनको ध्यान में रखते हुए डायरेक्टली आंसर लिख देंगे. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ स्मॉल ट्रिक क्वेश्चन फॉर यू. ओके, सो वी हैव फैक्टराइज x पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144. तो बेसिकली हमें बाई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, बट ये बहुत ही स्पेशल बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी पुट कर देता हूँ तो ये टी का क्वाड्रेटिक बन जाएगा. कैसे? So we are given that x power 4 minus 25x square plus 144. Okay, ये हमें given है. If we put x square as t, so x power 4 will become t square. So this will be equal to t square minus 25t plus 144. So again, let us apply the trick. Sum negative, product positive. So दोनों factor क्या आएंगे? Negative आएंगे. So two such numbers जिनका product 144 है, sum 25 है, are 16 and 9. So that means t minus 9 into t minus 16. ये तो हो गया factorize. But original question तो t में नहीं था, original question तो x में था. So this is x square minus 9 into x square minus 16. Now अगर आपको लगता है कि question यहाँ पे खत्म हो गया, so definitely not. अभी भी इसमें कुछ बाकी है, इसलिए इसको trick question बोला जा रहा है. So x square minus 9 can be written as x square minus 3 square into x square minus 16 can be written as x square minus 4 square. तो इसी के चलते हम use करेंगे identity a square minus b square equal to a minus b into a plus b. So the very first factor will become x minus 3 into x plus 3. And then next factor will become x minus 4 into x plus 4. Fine.
सो दिस पर्टिकुलरली सम्स अप द क्वेश्चन. बायक्वाड्रेटिक था हमारे पास, मैक्सिमम चार फैक्टर्स हो सकते हैं. दोनों ने वैसा ही क्वेश्चन दिया जो पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसको फैक्टराइज दे रहा है, फिर उसके पर्टिकुलर एग्जैक्टली चार फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास. ओके सो फाइन, आई होप द ट्रिक इज वेरी क्लियर विद यू. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द ट्रिक टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल स्ट्रेट अवे. ओके जस्ट लाइक वी हैव डन दिस इन 10 सेकंड्स, माइट बी इन 25 सेकंड्स और 30 सेकंड्स, यू विल बी एबल टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल स्ट्रेट अवे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू.